यहाँ पर हमने L नाम की एक लिस्ट पहले से क्रिएट की है। अगर हम देखें इंडेक्स मेथड का यूज़, तो हम इंडेक्स मेथड का यूज़ करके लिस्ट में अवेलेबल किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो एलिमेंट हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो ये इंडेक्स मेथड हमारे सामने एरर डिस्प्ले करेगा। अपेंड फंक्शन का यूज़ करके हम अपने लिस्ट के एंड में किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 100 को ऐड किया है अपने लिस्ट के अंदर। अगर हम चाहें कि हम कोई दूसरी लिस्ट क्रिएट करें, वो भी अपेंड फंक्शन का यूज़ करके, तो ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सामने एरर डिस्प्ले करेगा। हमने एक ट्राई की है यहाँ पर एक स्टेटमेंट देके कि हम L1 क्रिएट करें, बट L1 जो होगा वो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होगा, और जो अपेंड हुआ है हमारा एलिमेंट 1000, वो एक्चुअल में हमारे एग्जिस्टिंग लिस्ट L में ही अपेंड होके हमारे सामने डिस्प्ले होगा। हमने यहाँ पर दो लिस्ट पहले से बनाकर रखी हुई है, लिस्ट L और लिस्ट L1। अब हम देखते हैं एक्सटेंड फंक्शन को। एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग लिस्ट में किसी दूसरे लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने L के अंदर लिस्ट L1 को एक्सटेंड किया है, तो L का जो आउटपुट होगा वो हमारे सामने कुछ इस तरीके का होगा। अब हम देखते हैं लिस्ट L1 को, तो लिस्ट L1 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो एलिमेंट पहले थे हमारे पास लिस्ट में, वही एलिमेंट आफ्टर एक्सटेंशन भी L1 के अंदर रहेंगे। अब हम देखते हैं इंसर्ट मेथड को। तो यहाँ पर हमने फिर से एक लिस्ट बना के रखी हुई है पहले से। इसमें हम किसी भी न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें, तो हमें यहाँ पर उसका पोजीशन देना पड़ेगा कि हमें किस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर उस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। हमने यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट की है 100, जो कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिस्ट के ऐड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 100 ऐड कर दिया है, और इसके बाद हमारा लिस्ट L कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट हम किसी भी लिस्ट के एंड में नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा इंसर्ट लेंथ, किसका लेंथ, L का। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारी वैल्यू होगी, हमारी वैल्यू थी 200। अब जो हमारे पास आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। हमने 200 को अपने लिस्ट के एंड में ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं पॉप मेथड को। पॉप मेथड का यूज़ करके हम लिस्ट में से किसी भी इंडेक्स वैल्यू वाली एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रिमूव किया है इंडेक्स नंबर 6 की वैल्यू को। यहाँ पर रिमूव हो चुका है 200, जिसके इंडेक्स वैल्यू थी 6। अब हम देख लेते हैं हमारे लिस्ट में क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे लिस्ट से एलिमेंट 200 रिमूव हो चुका है। अब हम रिमूव करने वाले हैं एलिमेंट जो कि हमारे पास 0 इंडेक्स पे है। यह हमारा 100 भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने लिस्ट को, तो ये फाइनली हमारे पास 100 और 200 लिस्ट से रिमूव हो चुका है। अब हम देखते हैं रिमूव मेथड को। रिमूव मेथड के थ्रू हम किसी भी लिस्ट के अंदर से किसी एलिमेंट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 40 को रिमूव किया है। इसके बाद हमारे पास लिस्ट के अंदर 10, 20 और 30 ही बचा हुआ है। अगर हम चाहें किसी ऐसे एलिमेंट को डिलीट करना जो कि हमारे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो हमारे सामने एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि वो एलिमेंट जिसको हम रिमूव करना चाहते थे हमारे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। अब हम देखते हैं क्लियर मेथड का यूज़। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट अवेलेबल है जहाँ पर 10, 20 और 30 इसकी वैल्यू है। हम यहाँ पर दो वैल्यू और ऐड कर लेते हैं
एक वैल्यू ऐड करते हैं 40, फिर उसके बाद एक वैल्यू ऐड करते हैं 50। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर फंक्शन को। अगर हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करें तो हम अपने लिस्ट के सभी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ये सिर्फ एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, हमारे पास जो लिस्ट L होगा उसका स्ट्रक्चर एज इट इज़ होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास जो लिस्ट L है वहाँ से हमारे कंटेंट रिमूव हो चुके हैं, बट हमारा लिस्ट का स्ट्रक्चर अभी भी एज इट इज़ अवेलेबल है। हम यहाँ पर अगर चाहें तो फिर से न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो एलिमेंट ऐड किए हैं फिर से, 40 और 50, क्योंकि हमारे पास जो पुराने एलिमेंट थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब हम देखते हैं काउंट फंक्शन को। इसके लिए हमने पहले से एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है, यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 10, 20, 30, 40, 50 और फिर से 30। अगर हम चाहें कि हमारे लिस्ट में जो ये वैल्यू 30 है वो लिस्ट में कितने बार है, तब हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा एल डॉट काउंट 30, तो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है 2। अगर हम चाहें कि हमारे पास जो काउंट रिटर्न हो वो हो 100 का, तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो है 0, क्योंकि हमारे लिस्ट L के अंदर हमारी वैल्यू 100 एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब हम देखते हैं रिवर्स मेथड का यूज़। रिवर्स मेथड का यूज़ करके हम अपने किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट L को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट किया है। अगर हम चाहें कि हम कोई दूसरी लिस्ट क्रिएट करें रिवर्स मेथड का यूज़ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिवर्स मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये हमारे सामने जो लिस्ट होगी L2 वो कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगी, बट जो हमारा लिस्ट L है वो हमारे पास एज इट इज़ अवेलेबल रहेगा। हमने यहाँ पर एक लिस्ट L पहले से बनाकर रखी हुई है। अगर हम बात करें सॉर्ट मेथड की, तो सॉर्ट मेथड का यूज़ करके हम अपने लिस्ट को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्ट मेथड होगा वो हमारे लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो ये हमारा लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अगर हम चाहें सॉर्ट मेथड का यूज़ करके अपने लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो हम लिखते हैं L डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। इस मेथड का यूज़ करके हम अपने लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे सामने इस स्टेटमेंट का आउटपुट है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड वीडियो।